तो दोस्तों ये मेरे पास डिवाइस है Redmi Note 10 Pro, और इस डिवाइस में जब से MIUI 13 का स्टेबल अपडेट आया है, अपडेट आने के बाद अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो काफ़ी यहाँ पे स्लो चार्ज होता है, पहला जैसा स्पीड आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। पर दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको इनेबल करने के बाद अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज कीजिएगा तो चार्ज करने के दौरान आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पीड देखने को मिलेगा, 15 से 20% का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो उस टिप्स को कैसे इनेबल करना है, साथ में मैं आपको यहाँ पे कंपेरिजन करके भी दिखाने वाला हूँ कि विदाउट इनेबल किए हुए कितना यहाँ पे टाइम लगता है, और उस टिप्स को अगर आप इनेबल कर दीजिएगा तो कितना यहाँ पे टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वर्जन दिखा देता हूँ। Redmi Note 10 Pro है, वर्जन है 13.0.4.0 और 128 GB वाला वेरियंट है। इस डिवाइस के साथ 33 वाट वाला चार्जर आया था और इसी को मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट करने से पहले मैं मोबाइल को एयर प्लान मोड में कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, चार्जिंग को इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे चार्ज को ऑन नहीं किया है, मैं यहाँ पे एक टाइमर सेट करूँगा 5 मिनट का। तो ये 5 मिनट के टाइमर को सेट करके आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि फुल चार्ज करने में कितना यहाँ पे टाइम लगेगा। तो अभी देख सकते हैं 7:16 हुआ है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कितना परसेंट भी हो चुका है। तो चलिए पहले सबसे पहले टाइमर को ऑन कर लेता हूँ, और परसेंटेज देख सकते हैं 42% यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अभी मेरा जो डिवाइस है बैटरी यहाँ पे 42% चार्ज है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं 42% यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2.5 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे 3 मिनट कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद 3 मिनट में आपको दिखाता हूँ कि कितना यहाँ पे चार्ज हुआ है। तो 3 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चार्जिंग आपको दिख रही होगी वो आपको दिख रही होगी 46%। अभी आप देख सकते हैं 4 मिनट से ऊपर हो चुका है, और एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए 48% यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए लगभग 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पूरा कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे देखिए 49% यहाँ पे चार्ज कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल 5 मिनट में 7% यहाँ पे चार्ज हुआ है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 घंटा 19 मिनट आपको फुल चार्ज कंप्लीट करने में लगेगा। चलिए अब आपको क्या करना है, एक आपको एक्टिविटी लॉन्चर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसको ऑन कर लेना है। जिसे आप इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के बाद ऊपर में आपको सर्च में जाना है और आपको यहाँ पे लिखना है चार्जिंग। जैसे आप यहाँ पे चार्जिंग लिखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा बूस्ट चार्जिंग स्पीड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपका जो चार्जिंग स्पीड है काफ़ी बढ़ जाएगा। तो नीचे में बूस्ट चार्जिंग स्पीड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको इनेबल कर देना है। और इसको इनेबल करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं कि चार्जिंग स्पीड कैसा मिलेगा। आप देख सकते हैं 49% यहां पे बताया जा रहा है। तो चलिए फिर से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले टाइमर को यहां पे ज़ीरो कर लेता हूं। मैंने टाइमर को ज़ीरो कर लिया है, और इसको भी 5 मिनट का टेस्ट मैं आपको करके दिखाऊँगा। देख सकते हैं 49% यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो आप यहाँ पर देखिए अभी 49% यहाँ पर दिख रहा है चार्जिंग। तो आप यहां पे लगभग देख सकते हैं 1.5 मिनट कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं आपको यहां पे 2 मिनट का दिखा देता हूं कि 2 मिनट में कितना यहां पे चार्ज कंप्लीट हुआ है। तो आप यहां पे देख सकते हैं 2 मिनट में आपको जो दिख रही होगी वो 53% दिख रही होगी। आप यहां पे देखिए 3 मिनट कंप्लीट हो चुका है, और 3 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपको यहां पे 55% दिख रहा होगा।
आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट पूरा कंप्लीट हो चुका है, और 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको दिख रहा होगा 57% यहाँ पे चार्ज हुआ है। तो 5 मिनट में इसमें 8% चार्ज कंप्लीट हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देखिए 57% यहाँ पे चार्ज कंप्लीट हुआ है, 5 मिनट में 8% यहाँ पे चार्ज हुआ है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे बूस्ट स्पीड को यूज़ कीजिएगा तो 1 घंटा 2 मिनट यहाँ पे चार्ज होने में लगेगा, तो लगभग 15 मिनट का आपका यहाँ पे टाइम बचने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।